सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व इट। गिवन एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई प्लस ए एक्स वाई स्क्वायर प्लस थ्री एक्स वाई माइनस बी एक्स टू पावर सी वाई एंड सो ऑन फॉर एनी रियल नंबर एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। ए का वैल्यू माइनस सेवन आता है, बी का फोर, सी का टू और डी का माइनस थ्री। ए का माइनस सेवन, बी का फोर और सी का टू और डी का माइनस थ्री। माइनस ओके, चलो बताते हैं। इसमें ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि लाइक टर्म क्या है, लाइक टर्म कौन कौन से हैं। लाइक टर्म समझते हो क्या? लाइक टर्म देखो, ये 2x माइनस 7x और 11x, ये लाइक टर्म्स हैं। समझ आया? ये लाइक टर्म, इनकी पावर सेम है। अच्छा, दूसरा यदि 3xy स्क्वायर माइनस सेवन एक्स वाई स्क्वायर और 11xy स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स हैं, है ना। यदि हम अनलाइक टर्म की बात करें, अनलाइक टर्म्स टर्म्स तो क्या क्या होंगे बताओ। एक्स क्यूब, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया, इनफैक्ट एक्स टर्म की बात की जा रही है तो एक ही सिचुएशन है, जैसे एक्स y स्क्वायर और y एक्स वाई, ये दोनों ही अनलाइक टर्म है। क्या बोलेंगे? दीज आर अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म में क्या होगा? सिमिलर पावर होगी और सिमिलर वेरिएबल्स के पावर, इनके कांस्टेंट, मतलब इनके कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आप बताओ क्या करना चाहिए सर। तो पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर को। वो तो कट हो जाएगा। वो हो जाएगा। फिर एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं। फिर कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, कंपेयर हर टर्म को कंपेयर करना, मतलब किससे कट जाएगी। हर लाइक टर्म को कंपेयर करना पड़ेगा। एक्स क्यूब को तो दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज हो जाएगा। वाई स्क्वायर भी हो गया। ठीक है, अब क्या बचा बताओ इसमें। एक्स स्क्वायर वाई है कहीं, और कहीं नहीं दिख रहा है ना। नहीं, तो इसको लिख लेते हैं 4x। तो अभी इसका आंसर जीरो आना चाहिए, ऐसे कंसीडर, मतलब सब कुछ कट होना चाहिए, कंसीडर करके करेंगे। ओके, अच्छा ये पहले तो वैसे तो सी का वैल्यू 2 हो सकता है। हां, 2 लिए आ रहे हैं ना इनका। 4x² y चलेगा ये, 4x² y। अब यहाँ पे x² y कहीं और है? नहीं ना, नहीं, पर x raise to c y है। हाँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस v x to power c y। ठीक है, अच्छा अब बताओ xy² है कहीं? हाँ, प्लस ये लिख लेते a प्लस सेवन एक्स वाई स्क्वायर चलेगा। अब देखो x की पावर सी वाई है और 3xy है और dxy है, तो ये तो हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, ये एक्स वाई वाले टर्म लिखते हैं क्या? प्लस थ्री प्लस डी एक्स वाई लिख दें इस तरह से। हाँ, तो वो कट होने के लिए जो वैल्यूज चाहिए वो डाल देंगे। ठीक है,
अब ये कह रहे हैं कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल, क्या बोला जा रहा है बताओ, क्या बोला जा रहा है कि दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स वाई की वैल्यू कुछ भी पुट करो ये हमेशा ट्रू होने वाला है। मतलब वो कट होने वाला नहीं, अभी अभी समझे नहीं तुम कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ मतलब वो आइडेंटिटी हुई प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल, तो ये तभी ऐसा पॉसिबल होगा जब a इक्वल टू जीरो हो और b इक्वल टू जीरो हो। हाँ सर, हाँ हाँ, तभी तो ये जीरो टाइम्स x प्लस जीरो टाइम्स y इक्वल टू जीरो, अब x y को पुट करते रहिए, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? यस सर, वही सिचुएशन यहाँ पे लगेगी। ये कहा जा रहा है फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल है, अच्छा एक्स वाई कुछ भी पुट करो तो इसका मतलब इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो जीरो, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या ये फोर जीरो हो सकता है क्या? नहीं, एक्स स्क्वायर हम कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई जीरो, तो ये फोर जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है कि ये और ये दोनों लाइक टर्म होने चाहिए। समझा नहीं समझा? समझा, हाँ मतलब इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि इसको लाइक टर्म होना चाहिए, यदि लाइक टर्म नहीं होगा तो भाई ये तो फोर है एक्स स्क्वायर वाई, देखो यहाँ पे ये जीरो हो गया ये जीरो, तो ये मिलके जीरो हो जाएगा, लेकिन ये तो जीरो नहीं होगा ना, एक्स और वाई की कोई वैल्यू पुट करे तो ये जीरो नहीं होगा, तो कब जीरो होगा, जब ये लाइक टर्म हो जाए। लाइक टर्म का मतलब है कि यहां से समझ में आ रहा है कि सी का वैल्यू क्या होना चाहिए फिर, लाइक टर्म हो तो सी का वैल्यू टू आना चाहिए, और यदि सी टू आ गया तो ये क्या हो जाएगा, यही पूरी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, 4 minus b times x square y plus a plus 7 times x y square plus 3 plus d times x y equal to 0। अब देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, पहला 4 minus b equal to 0 मतलब b का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। दूसरा कहेंगे a plus 7 equal to 0 मतलब a का वैल्यू minus 7 minus 7। अच्छा नेक्स्ट लिखेंगे, थर्ड सिचुएशन करेंगे कि 3 plus d का वैल्यू 0, इसका मतलब है कि d का वैल्यू कितना हो जाएगा, minus 3। तो यही आंसर आ रहा था क्या? हाँ, minus 3 आ रहा है, c 2 आ रहा है, बी फोर आ रहा है और ए माइनस सेवन। वेरी गुड, जिन्होंने भी पहली बार में ये आंसर दिया था बहुत सही, उनको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट इसमें? नहीं सर, नो डाउट। ओके आगे बढ़ते हैं, करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, सॉल्व करो। Given that real number m x y satisfy this,
ध्यान से सुनो, पहला कंसेप्ट मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उन कंसेप्ट पे ध्यान देना। पहला, यदि मैं कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो है, तो इसका क्या मतलब होगा? ए और बी दोनों जीरो है, ठीक है। अच्छा, तो पहला, गिवन दैट रियल नंबर एम एक्स वाई सेटिस्फाई दिस, इसका क्या मतलब है? पहली पहला ये एम आर एक्स दोनों जीरो है, एम एक्स फाइव है, एक्स फाइव और एम जीरो है। हाँ सर, एक्स फाइव और एम जीरो, समझ आया क्या? हाँ, और वायर टू हो सेकंड कंडीशन से। अब ये बोल रहा है कि दिस एंड दिस आर लाइक टर्म, सेकंड को यदि हम सॉल्व करें, ये बोल रहा है कि माइनस टू ए स्क्वायर बी वाई टू वाई प्लस वन एंड थ्री ए स्क्वायर बी की पावर थ्री आर लाइक टर्म, तो ए स्क्वायर कट हो जाएगा, है ना? नहीं, लाइक टर्म कैंसिल, इक्वल थोड़ी ना करना है, इक्वल नहीं करना है। लाइक टर्म का मतलब ये नहीं कि ये इक्वल हो, मतलब ये जो वेरिएबल है इनकी पावर सेम होगी। तो यहाँ पे वाई प्लस वन की वैल्यू थ्री है, ये थ्री के इक्वल होना चाहिए, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू। क्या इतनी बात समझ आई लाइक टर्म का मतलब? हाँ, y की ये मिल गया। हाँ, y की वैल्यू टू आ रही था इधर तक। अब यहाँ पे लाइक टर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो अब इस एक्सप्रेशन की यदि वैल्यू की बात करें तो ये कितना होगा? थ्री बाई एट एक्स स्क्वायर वाई, और इसको तो जीरो ही कर देते हैं क्योंकि एम जीरो है, तो एम नहीं लिखे तो चलेगा ना, है ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये प्लस सेवन बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। चेक करो सही है क्या? हाँ सर। और ये माइनस माइनस कितना हो गया? ये माइनस आ जाएगा, ये ब्रैकेट ब्रैकेट में ये माइनस वन बाई फोर एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री बाई सिक्सटीन एक्स स्क्वायर वाई माइनस थ्री पॉइंट फोर सेवन फाइव एक्स वाई स्क्वायर। और ये देखो, ये जो माइनस है वो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 6.275xy2। क्या इतनी बात समझ आई? सर कौन सा माइनस, वो नहीं समझ में आया। हाँ अच्छा, बाहर वाला। हाँ, ये सबसे ये कर्ली ब्रेस हटा ही दिया मैंने। अच्छा ओके, और बाकी सब एज इट इज रहने दिया। सर वो पॉजिटिव साइन था, वन बाई फोर वो जो आपने ब्रैकेट लिखा इसके पहले। हाँ, लेकिन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा ना इसमें भी, इस ब्रैकेट में भी। ओ हाँ, ठीक है। माइनस देखो, माइनस है तो माइनस ऑफ। हाँ समझ आया सर। सो क्या? अच्छा, माइनस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आ जाएगा इधर, और इसके अंदर तो जैसा था वैसे ही लिख दिया कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला जो माइनस इधर है ये प्लस आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। क्या इतना बात क्लियर हुआ? थ्री बाई एट और ये सेवन बाई सिक्सटीन,
तो ये कितना हो जाएगा बताओ, देखो ये लाइक टर्म है ना तो इनको ऐड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, 6 + 7 क्या 13/16 एक्स स्क्वायर वाई लिख सकते हैं, चेक करो। हाँ सर। अरे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो इसको, 16 तो 6 + 7 13/16 एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा यहाँ पे ये माइनस माइनस और लाइक टर्म्स है पर मतलब प्लस 13 3/16। अच्छा देखते हैं आगे चलते हैं और ऐड कर, यदि ऐड कर पाएंगे तो हो रहा तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे ब्रैकेट के बाहर। हाँ। यहाँ पे बताओ ये कितना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/16 प्लस ये कितना हो जाएगा 3/16 एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस 3/16 एक्स स्क्वायर वाई। अच्छा ये माइनस प्लस 3.475 एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ, नेक्स्ट वैसे ही रह जाएगा प्लस 6.275 क्योंकि वो ब्रैकेट के बाहर है। समझा क्या? अभी और कितना बचा है? प्लस 6.275 एक्स वाई, तो 9.75 होता है। हाँ, अब इन दोनों को ऐड करो फटाफट, कितना आ रहा है? क्या 10 आ रहा है? 20/16 ये नहीं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ये वाला वो 9.75 है, तो वो 9.75 है, 9.75 है ना x y square। अच्छा और ये कितना है? 0.25 x y square है, क्या 10 हो जाएगा? नहीं वो 40/4, हाँ 10 आ जाता है, तो x square y plus 10 x y square। और ये भी तो है देखो, 13 + 3 ये दोनों लाइक टर्म है। हाँ सर, तो कितना हो जाएगा ये? ये 6 ये 1 x² y हो जाएगा। हाँ x² y हो जाएगा सर, आया 250 प्लस, हाँ आ जाएगा। हाँ सर आया 10 x² आ जाएगा। हाँ अरे ये देखो ना 9.75 इन दोनों का सम था, इन दोनों का सम 9.75 था एक्स वाई स्क्वायर, और ये 0.25 एक्स वाई स्क्वायर, तो इन सब का सम कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना, 10 × x² तो भाई अब इन एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर ही देते हैं, तो एक्स कितना है, एक्स 5 है और वाई 2 है, तो एक काम करते हैं इसमें एक्स वाई यदि मैं कॉमन ले लूं तो मिलेगा एक्स प्लस 10 y, है ना, एक्स वाई यदि कॉमन ले लूं तो एक्स प्लस 10 y मिलेगा, एक्स इज 5 y इज 2, तो ये 10 हो गया, और यहाँ पे एक्स इज 5 + 10 × 2 = 20, तो कितना हो जाएगा 25 × 250 आएगा बच्चा। हाँ 250 आ रहा है ना, 250 इज द आंसर। कुछ गलत किया हम लोगों ने, चेक करो। अच्छा लास्ट में बराबर है, क्या दिया हुआ है 3 का आंसर, 3 सब्जेक्टिव प्रॉब्लम 3 का आंसर, हाँ 250 समझ आ रहा है ना दिया हुआ। हाँ सो है ना, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करो एक्सपेंड 4। कौन सा फोर्थ वाला? अच्छा इसमें कोई डाउट है इस? नहीं सर नहीं ना, चलो फोर्थ सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4।
नहीं आएगा, है ना? हुआ है सर, हो गया ना? तो देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट लगना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। लेकिन क्या आप ये पहचान पा रहे हो? ये थोड़ा देखो ध्यान से सुनो, लेट्स सी ये काम कर रहा है, वैसे ये क्या है, ये बी का काम कर रहा है। हाँ सर वैसे ही किया है। तो कितना आएगा बताओ, ये क्या ये 5xy² - 3x² - y² / 2 का होल स्क्वायर यही आएगा? हाँ सर 25x² - 9x² सॉरी हाँ -9x² + 4 - 9x² + 28x² - y² - 4 अभी ये कितना, चलो मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, 25x² - y² - इसका एक्सपेंशन कितना हो जाएगा 9x² + इसका y^4/4 और माइनस 2ab करेंगे तो 3x² y² अब देखो ये टू द पावर 4 ही है, क्या हुआ नहीं 9x^4 है माइनस 9x^4 9x^4 आ जाएगा, ये थोड़ा गलती कर दिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ, 25 - 28x² - 9x^4 और -y^4/4 समझ? हाँ सर यही आया है, क्लियर हुआ? हाँ सर यही आया है सर, सेम आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट इसमें बच्चा लोग? नहीं नहीं ना, नहीं सर। गिवन दैट द मोनोमियल दिस आर लाइक का देयर सम इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, करो जल्दी से फटाफट इसको सिंपलीफाई करो। Given that the monomial this are like term and their sum is this, find the value of ABC. Thank you.